हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे भुने हुए चने से बहुत ही टेस्टी बर्फी। इसके लिए हमने लिए हैं एक कटोरी चने और एक लीटर दूध लिया है फुल फैट, और एक मोटे तले की कढ़ाई ली है और इसमें हमने घी डाल दिया और इन चनों को थोड़ा भून लेंगे खुशबू आने तक, और फिर इसमें हम फुल फैट दूध डाल देंगे एक लीटर और इसे चलाते हुए पकाएंगे जिसमें कि दूध पूरा ही सूख जाए। उसके बाद हम इसको मिक्सर से पीस लेंगे और ड्राई फ्रूट भी कटिंग कर लेंगे तब तक हम। तो हमने ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं और ये भी दूध सूख गया है और बिल्कुल ही आधे से भी कम बचा है, और इसको मिक्सर में डाल के अच्छा फाइन पीस लेंगे पेस्ट। उसके बाद हम उसी सेम कढ़ाई में डाल देंगे पेस्ट को, साथ में चीनी मिला देंगे और इस तरह से भूनते हुए इसको सूखा कर लेंगे, और साथ ही में इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। इसके बाद चलाते हुए इतना इसको भुनेंगे कि ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, और ये कढ़ाई छोड़ने लगा और जमने के लिए तैयार हो गया है। और ट्रे में हमने घी लगाया और इसको फैला दिया, साथ ही में हमने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। और अभी हम इसको मन चाहे आकार में कटिंग कर लेंगे इसकी, और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने छोड़ेंगे, उसी के बाद कटिंग करेंगे, नहीं तो ये एकदम से बिगड़ जाएगी बर्फी। ये हमने इस तरह से पीस कट कर लेंगे हम इस तरह से, और बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और संध्या रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक बार इस तरह की चने की बर्फी आप इस रक्षाबंधन पर ज़रूर बनाइए। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक आप इस तरह की बर्फी ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कितनी टेस्टी बर्फी बनी है ये। बिल्कुल मावे जैसा स्वाद आ रहा है इसमें, बहुत ही दिखने में भी एकदम बहुत अच्छी लग रही है। फिर मिलेंगे, बाय।